नमस्कार दोस्तों, आज ये फॉर्म हम फिल करके बताएंगे आपको। ये दोस्तों यूनियन बैंक का फॉर्म है, जिसके थ्रू आप 2000 के नोट अपने चेंज करवा सकते हैं। इस फॉर्म का जो नाम है रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ बैंक नोट इन डिमोनेटेशन ऑफ 2000। तो दोस्तों यह फॉर्म हम फिल करके बताएंगे आपको। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे डेट डेट आपको यहाँ पे डालनी है, जिस डेट को आप जो है एक्सचेंज करा रहे हैं नोट को। और यहाँ पे नेम ऑफ द अपना नाम लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखेंगे। तो दोस्तों आईडी प्रूफ में किसी ना किसी पे आपको टिक लगाना है और आपको उसका जो है आपको फोटो कॉपी देना है, या आधार कार्ड की, या ड्राइविंग लाइसेंस की, या पासपोर्ट की, और उस पे आपको साइन करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको ब्रांच में देना होता है। और दोस्तों नीचे लिखा हुआ है आईडी प्रूफ नंबर। जो भी आप आईडी प्रूफ दोगे, या आधार कार्ड दोगे, या ड्राइविंग लाइसेंस दोगे, या पासपोर्ट दोगे, उसका यहाँ पे आपको उसका आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेबल इफ टेंडर इज एग्जिस्टिंग कस्टमर। यदि आपका अकाउंट यूनियन बैंक में नहीं है या अदर बैंक में है, तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर आप यहाँ पे जो है डालेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कैश एक्सचेंज टू बी अपडेटेड बाय बैंक ऑफिसर। यहाँ पे वो बैंक ऑफिसर इसको फिल करेगा। आपको कैश सबमिटेड में आपको यहाँ पे नोट्स लिखने हैं, आपके पास कितने नोट हैं। हमारे पास 5 नोट है तो 5 लिख दिए, टोटल कैश हो गए 10,000 रुपये। ठीक है जी। तो ये आपका फॉर्म फिल हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपने साइन कर देंगे, आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा और आप नोट चेंज करा सकते हैं।